To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन, आज नवम क्लास के अध्यापन का जो टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार से लिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण में प्रायद्वीपीय पठार का एक अपना महत्व है। पूर्व जानकारी में आपको यह बताया गया था कि प्रायद्वीपीय पठार स्थिर भाग है, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव कोई खास मायने नहीं रखता है। लेकिन यह जो विचारधाराएं थी कि प्रायद्वीपीय पठार एक स्थिर भाग है, इसमें किसी भी प्रकार की प्राकृतिक जो है आपदा व्यापक प्रभाव नहीं डालती है, वर्तमान समय में यह विचारधाराएं निर्मूल सिद्ध हुई है। प्रायद्वीपीय पठार भी वर्तमान भूकंपों के कारण अस्थिर हुआ है। इस तरह से आज का जो विषय वस्तु है वह प्रायद्वीपीय पठार के तहत जो है हम आपको जानकारी देंगे। यह प्रायद्वीपीय पठार अर्थात जो है प्रायद्वीपीय पठार की जो संरचना है, इसकी जो आकृति है यह मेज के नुमा है। अर्थात प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति का स्थल है, जो कि पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से बना है। यह प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि के टूटने एवं उसके अपवाद से बना है। इसके कारण यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार में कई जो है चौड़ी घाटियां, चौड़ी एवं फिसली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार को जो है दो भागों में बांटा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को प्रायद्वीपीय पठार को प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है वह मध्य उच्च भूमि, दूसरा जो है दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पठार के भी नाम से यह जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि अर्थात नर्मदा नदी के जो उत्तर का जो क्षेत्र है, यह जो आप देख रहे हैं नर्मदा नदी में जो उत्तर का जो क्षेत्र है, नर्मदा नदी के उत्तर का प्रायद्वीपीय पठार का हुआ भूभाग, नर्मदा नदी के प्रायद्वीपीय पठार का हुआ भूभाग, जिसका विस्तार अधिकांशतः मालवा के पठार पर है, मालवा पठार के आसपास है, तो यह भूभाग जो है मध्य उच्च भूमि का कहलाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भूभाग जिसका विस्तार मालवा पठार के अधिकांशतः भागों पर फैला हुआ है, यह भाग जो है मध्य उच्च भूमि कहलाता है। इस तरह से इस पठार के मालवा पठार के दक्षिण में एक श्रृंखला है जिसको विंध्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यह विंध्य श्रृंखला जो है प्राचीनतम गोलाकार पहाड़ी है, खंडित अपरदित है, टूटी फूटी है, और यह पूरे भारत को दो भागों में बांटती है, एक उत्तर भारत और दूसरा जो है दक्षिण भारत। यह मालवा के पठार का या प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का जो है दक्षिणतम हिस्से में स्थित है, अर्थात जो है
भारत के पश्चिम मध्य जो है भाग में यह स्थित है। उसी तरह से अगर हम मालवा पठारी के या मध्य भूमि के पश्चिम या उत्तर पश्चिम क्षेत्र की अगर बात करें, पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर जो है अरावली पर्वत है और यह अरावली पर्वत भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है और यह पर्वत राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तरी राजस्थान एवं दक्षिणी राजस्थान। जिस तरह से विंध्य पर्वत उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच जो है बांटने का काम करता है, उसी तरह से अरावली पर्वत जो है उत्तर राजस्थान और दक्षिण राजस्थान राजस्थान को दो भागों में जो है यह बांटने का जो है काम करता है। इस तरह से यह पर्वत विंध्य श्रृंखला और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह मालवा पठार के एक दक्षिण की ओर है, दूसरा जो है उत्तर जो है पश्चिम की तरफ है। इस तरह से यह मध्य उच्च भूमि जो है पश्चिम की ओर जो है बहुत ही जो है चौड़ा है और जैसे जैसे यह पूर्व की ओर बढ़ता है यह संकीर्ण होता जाता है। इस मध्य उच्च भूमि में कई नदियों का भी प्रवाह है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा के बहुत सारी नदियां जो है इस मध्य उच्च भूमि से निकलती है, लेकिन यह नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दक्षिण पश्चिम से जो है उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इससे यह पता चलता है, इस नदियों के प्रवाह से यह पता चलता है कि जब यह नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह बनाती है तो यह भाग जो है ऊंचा है और यह भाग जो है ढालुआ होने का जो है इंडिकेट करती है, मतलब यह बतलाती है कि यह भाग ऊंचा है और यह भाग जो है ढालुआ भाग है। इस तरह से जो है इस उत्तर पूर्वी की विस्तार की अगर जो है हम बात करें तो स्थानीय भाषा में यह जो उत्तरी पूर्वी जो विस्तार का जो क्षेत्र है या उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र में है यहाँ पर बुंदेलखंड और बघेलखंड जो है नाम का भूभाग यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से अगर और पूर्वी क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है छोटा नागपुर पठार दामोदर नदी के द्वारा अपवाहित जो है छोटा नागपुर पठार का भी जो है भूभाग इस पूर्वी हिस्से में जो है मिलता है। तो इस तरह से जो है मध्य उच्च भूमि के बारे में जो है आपको प्रमुख बिंदु को जो है यहाँ बताने का जो है प्रयास किया गया है। उसी तरह से जो है अब दूसरा जो इस प्रायद्वीपीय पठार का भाग है उसे हम दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार के भी नाम से जानते हैं, मतलब जो है दक्षिण का पठार या दक्कन पठार के जो है नाम से जो है यह जाना जाता है। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण के हिस्से में अवस्थित है, अर्थात नर्मदा नदी के ऊपर में मध्य उच्च भूमि अवस्थित है। वहीं नर्मदा नदी के जो दक्षिणी हिस्सा है इस हिस्से को जो है हम दक्षिण का पठार या दक्कन के पठार के भी नाम से जानते हैं। इस पठार की संरचना जो है त्रिभुजाकार है और इस तरह से जो है इस दक्षिण के पठार के जो उत्तरी हिस्सा में जो है यह सतपुड़ा की श्रृंखलाएं पाई जाती है। इस तरह से अगर हम इस दक्षिण पठार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर महादेव, कैमूर की पहाड़ियां एवं जो है मैकाले की श्रृंखला भी जो है पाई जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर महादेव, कैमूर की पहाड़ियां एवं मैकाले की श्रृंखला जो है प्रमुख रूप से जो है इस दक्षिण के पठार के उत्तरी पूर्वी हिस्से में जो है अवस्थित है। इस तरह से अगर हम और इसकी अगर पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी अगर हिस्से की अगर विस्तार की बात करें तो आगे चल करके जो है यहाँ पर मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार
या उत्तर कचार पहाड़ी जिसका स्थानीय नाम से जाना जाता है, यह भी जो है पर्वत श्रेणियां यहाँ मिलती है। इसी जो है पूर्वी विस्तार में छोटा नागपुर पठार एक भ्रंश के कारण जो है इस दक्षिण के पठार से जो है अलग हो गया है। इस तरह से दक्षिण के पठार की अगर हम बात करें तो दक्षिण पठार के सिरे पर जो है दो घाट मिलता है और यह दो घाट जो है पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट के समांतर जो है फैला हुआ है। इस तरह से यह जो है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट दो जो है पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट के जो है समांतर जो है श्रेणी प्राप्त होता है। लेकिन जो है यह पश्चिमी तट की अगर बात करें, पश्चिमी घाट की बात करें, तो यह जो है ऊंचा क्षेत्र है एवं जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर इस पश्चिमी तट की ओर बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट की तरफ बढ़ते हैं, इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। पूर्वी घाट के अपेक्षा जहां पूर्वी घाट की ऊंचाई जो है 600 मीटर है, वहीं पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 900 से 1600 मीटर है। 900 से 1600 जो है मीटर पश्चिमी घाट की ऊंचाई है और इस तरह से यह घाट जो है बहुत ही चौड़ा ऊंचा है और इस तरह से जो है इसका पश्चिमी तट के साथ जो है सतत विकास हुआ है। नदियों का जो है प्रवाह ज्यादा नहीं होने के कारण, अरब सागर में ज्यादा नदियों के नहीं गिरने के कारण यह जो पश्चिमी तट है यह कटा फटा नहीं है बल्कि इसका विकास सतत हुआ है। यहाँ पर केवल जो है दर्रों के माध्यम से ही जो है आने जाने का जो है कार्य किया जा सकता है। लेकिन अगर हम वही जो है पूर्वी घाट की बात करें तो बहुत सारी नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, दक्षिण पठार से निकलती है, यह सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने के कारण यह जो पूर्वी तट जो है इसका सतत विकास नहीं हुआ है, यह अनियमित है, कटा फटा है और इस तरह से जो है यह ढालुआ भी है। इस तरह से यहाँ पर जो है कई घाट भी मिलते हैं। जैसे पूरे अगर हम जो है भारत, दक्षिण भारत की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से जो है चार प्रकार के जो है घाट हमें जो है प्राप्त होता है। दो घाट महाराष्ट्र में है, जैसे अगर हम जो है थाल घाट की बात करें, भोर घाट की बात करें तो यह जो है महाराष्ट्र में मिलता है। वहीं पर अगर हम जो है पाल घाट की बात करें, सिनकेट एक दर्रा है, अगर हम सिनकेट की बात करें यहाँ पर जो है सिनकेट दर्रा है, अगर जो है इसकी बात करें तो यहाँ पर भारत, दक्षिण भारत में चार प्रकार के दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकेट दर्रा। यह जो सारे जो दर्रे हैं वह पश्चिमी घाट में ही अवस्थित है। इस तरह से अगर हम थाल घाट की बात करें, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और जो है सिनकेट दर्रा की अगर बात करें तो थाल घाट जो है मुंबई और नासिक को जोड़ने का काम करता है। मुंबई और नासिक को जिस दर्रा के द्वारा जोड़ा जाता है वह जो है थाल घाट के द्वारा जोड़ा जाता है। वहीं पर अगर हम भोर घाट की बात करें तो नासिक और पुणे के बीच जो जोड़ने वाला का काम करता है वह भोर घाट दर्रा के द्वारा जो है नासिक और पुणे जो है आपस में जुड़े रहते हैं। उसी तरह से अगर हम पाल घाट की बात करें तो यह पाल घाट जो है कोची से लेकर के कोयंबटूर को जो बीच जोड़ने का काम, कोची से जो है कोयंबटूर जिस दर्रे के द्वारा जुड़ा होता है वह पाल घाट दर्रा कहलाता है। पाल घाटा के पाल जो है घाट के द्वारा ही आप कोची से कोयंबटूर जो है आप जो है आ जा सकते हैं। उसी तरह से सिनकेट दर्रा भी एक प्रमुख दर्रा है जो दक्षिण भारत में अवस्थित है। तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच में जो दर्रा है या जिस दर्रे के द्वारा तिरुवनंतपुरम से मदुरई आया और जो है जाया जा सकता है वह सिनकेट दर्रा के द्वारा जो है तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच जो है जोड़ने का काम करता है। इस तरह से थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और
के दर्रा की जो है विस्तृत जानकारी दी गई है, और यह सारे दर्रे जो है पश्चिमी घाट में ही अवस्थित है और दक्षिण भारत में ही जो है अवस्थित है। इस तरह से यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट में जो है पर्वतीय वर्षा होती है, पश्चिमी ढलानों से जो है आर्द्रता भरी हवाएं जो है टकरा करके जब जो ऊपर उठती है, तो इस सारे क्षेत्रों में पश्चिमी घाट में जो है पर्वतीय वर्षा होती है। इस तरह से पर्वतीय वर्षा होने का मेन कारण जो है यहाँ कई जो है ऊंचे ऊंचे पर्वतों का जो है होना एक बहुत जो है बड़ा जो है कारण है। इस तरह से पश्चिमी घाट में जो है कई जो है पर्वत श्रेणियां हैं जो बहुत ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची पर्वत जो श्रृंखला है वह जो है अनाई मुड़ी और डोडा बेटा है। अनाई मुड़ी जो है 2695 मीटर ऊंचा है, वहीं जो है डोडा बेटा जो है 2633 मीटर ऊंचा है। इस तरह से पश्चिमी घाट की दो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं जो सबसे बड़ी ऊंची श्रृंखलाएं हैं, सबसे जो है ज्यादा ऊंची श्रृंखलाएं हैं वह अनाई मुड़ी और जो है डोडा बेटा है। उसी तरह से अगर हम पूर्वी घाट के सबसे ऊंचे शिखर की अगर बात करें तो पूर्वी घाट के जो है सबसे ऊंचे शिखर जो है वह महेंद्रगिरी है और इसकी ऊंचाई जो है 1500 मीटर। इस तरह से पूर्वी तट के अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करें, पूर्वी तट के दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें, इस एरिया की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो है खास करके सेवराय एवं जावेरी की पहाड़ियां मिलती है। सेवराय एवं जो है जावेरी की पहाड़ियां जो है प्रमुख रूप से मिलती है। उसी तरह से अगर हम पूर्वी घाट के जो है अगर हम जो है यहाँ पर पूर्वी विस्तार की बात करें तो यह जो पश्चिम से पूर्व की ओर गारो खासी जैता भी जो है प्रमुख रूप से यहाँ पर जो है पाई जाती है। इस तरह से जो है दक्कन का पठार का अधिकांश भाग जो है काली मृदा का बना होता है, जिसे दक्कन का ट्रैक भी कहा जाता है, और इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान आग्नेय चट्टानों के जो है अपरदन के जो है फलस्वरूप हुआ है। इस तरह से जो है इस दक्कन के पठार में अगर हम अरावली पर्वत की स्थिति को देखें तो अरावली पर्वत जो है यह भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम जो है किनारे पर अवस्थित है और यह एक बहुत ही अपर्दित एवं जो है खंडित पर्वत है। अर्थात जो है दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक इसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जो है यह पर्वत श्रेणियां जो है फैली है। इस तरह से जो है इस प्रायद्वीपीय पठार में प्रमुख जानकारी जो है आपको मेरे द्वारा देने का प्रयास किया गया है। अगर कहीं भी कोई शब्दावली इस टॉपिक में अगर जो है कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप जो है मुझसे जो है पूछने का प्रयास करेंगे, फिर मैं जो है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जो है जवाब अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको सरल तरीके से जो है समझ आ सके। गृहकार्य के रूप में जो है आप नोट कर लेंगे, गृहकार्य में प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें। प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें एवं भारत के मानचित्र पर थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सिनकेट का जो है आप मानचित्र के माध्यम से जो है दर्शाएंगे। धन्यवाद।